एक साथ खेल सकते हैं फिर से सुनील। और चलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है अर्जुन हेगड़े की तरफ से। चलिए बात बताए सुनील बाबू। और इसी बीच हमारे मैच में अभी अभी पधार रहा है अजय अभी बाबा सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारी और अपने समय के बेहतरीन निर्णायक माधव जवाहर की आगमन हुई है उनका मैं इस मंच परिवार की तरफ से धैर्य से स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग और इस नए मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें ये मैच सरायकेला टाइगर वर्सेस जय माता शक्ति डबुआ के बीच में है। और मैदान के बीच में लक्ष्मी नारायण मैदान के बीच में आपको बता दें इनके पास भी बहुत ही मनोरंजक कलाएं हैं। जी बिल्कुल सुनील, लक्ष्मी नारायण महतो की बात करें, लक्ष्मी नारायण महतो का उम्र अब 61 ईयर चल रही है। जब ये इस मंच पर आए थे उसको हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनका अब 60 ईयर साल चल रहा है। और ये 1980 से फुटबॉल खेल की शुरुआत किए थे आदित्यपुर बॉयज क्लब से। आप समझ सकते हैं कि 40 साल की लंबी पारी ये फुटबॉल को दिए हैं। उत्तर फुटबॉल का अनुभव इनके पास है, इससे आप सोच नहीं सकते हैं। इनका जो छोटा डिसीजन देखने को मिलता है वो पता है काबिल तारीफ रहता है। सुनिए बिल्कुल मैंने किसी किताब में पढ़ा था उम्र पचपन की, यानी कि उम्र पचपन की और कलाकृतियाँ पचपन की, तो ये बात पूरी तरह अलग। और इसी के साथ स्कोर में तब्दील होता हुआ निश्चित तौर पर यहाँ पर ये पहला गोल बहुत ही शानदार गोल हमें देखने को मिला। करिश्मे अंदाज में यह गोल हुई, बहुत ही बढ़िया गेम प्लान अख्तियार की गई। और इस तरह से देखते ही देखते एलजीओ की बढ़त बना दिया है यहाँ पर टॉबो की टीम ने। से पहले आक्रमण हो चुकी है एक बार खिलाड़ी से चीज और हम लोग देखें। जय बाबा शक्ति डबो के खिलाड़ी सूची में गोलकीपर की भूमिका में विश्वनाथ पार्टी, आठ नंबर में कुंदन टूडू, तीन नंबर निशम में कृष्णा हेम्ब्रम, कृष्णा मिश्रा पांच नंबर निशम में, गोपाल मार्डी दो नंबर निशम में, शशि हांसदा चर्चित खिलाड़ी दस नंबर निशम में, रामचंद्र हेम्ब्रम नौ नंबर निशम में, सुनील सोरेन ग्यारह नंबर निशम में, संदीप माली सात नंबर निशम में, श्यामल मोनो चौदह नंबर निशम में। संतोष जी बिल्कुल स्ट्राइकर टाइगर की बात करें, गोलकीपर के रूप में बहादुर सोरेन 31 नंबर पर, डॉक्टर निरंजन सरदार 2 नंबर में, 5 नंबर पर विजय सरदार, 3 नंबर पर दशरथ सरदार, 4 नंबर में हलीम सरदार, 19 नंबर पर शिवा हेम्ब्रम, 7 नंबर में संदीप गोर, 8 नंबर में मुकेश गोर, 17 नंबर में
सुनील सरदार, संजय महली 8 नंबर में, वो परजो हैदराबाद 9 नंबर पर, एक कंप्लीट टीम, बेहतरीन टीम, लाजवाब टीम। इस बीच यहां पर टू टच का इशारा करते हुए निर्णायक महोदय, अगर आप खतरनाक ढंग से खेलते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ टू टच का इशारा किया जाता है। यहां पर अच्छी किक जरूर आई थी, थोड़ी सी नीचे होती तो कुछ परिणाम आ सकता था। जी बिल्कुल, यहां अब ये गोल किक के जरिए खेल को शुरू कर लिया गया है। इस बीच टॉबो की ओर से गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। शुरुआती क्षणों में झटका देने में कामयाब, बिल्कुल पहला गोल शुरुआती क्षणों में झटका देने में कामयाब टॉबो की ओर से। दो हाथ के साथ ये मुकाबला चल रही है फिलहाल, पहला हाथ का खेल। इस बीच उस खेल को पसंद नहीं आया, एक सटीक डिसीजन यहाँ पर एलन महतो के द्वारा, यही तो खासियत रहता है एलन महतो का, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया डिसीजन उनके द्वारा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, उस खेल को पसंद नहीं आया, अतिरिक्त कीक यहाँ पर मिलता हुआ टॉपर को। बिल्कुल, एलन बता रहे हैं आप फाउल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त समय बाद अच्छी तरह से क्रॉसिंग किक नहीं हो पाई, गोल पोस्ट का दाया तो बिल्कुल खाली था, लेकिन मैं मुझे लगा थोड़ी बहुत अनुभव में सेंध मारी हुई, अन्यथा का छाती का सकता था। यहाँ पे संजय टेम्पू बहुत ही खतरनाक ढंग से दौड़ते हैं, और जब गेंद अपने कब्जे में होती है संतोष जी, तो इनसे गेंद छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, फिर से सुनील सरन के लिए, हालांकि गेंद प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी सराल कलाकागर की पैर में, मैं आपके बीचों बीच 19 नंबर खिलाड़ी छोर बदली गई, मध्य हाथ से धीरे धीरे ही सही एक संतुलित ढंग से बढ़ने की कोशिश। हालांकि गेंद मुझे लगता है गेंद मैदान से बाहर चली गई। बहुत अच्छा शॉट आया नहीं, फिर से गेंद बाहर का अंदर, आप मैच से जल्दी प्रारंभ करें। तो मुझे लगता है गेंद हाथ में लगी है, बिल्कुल संदीप मालिक आपके गेंद लगी थी, हालांकि फिर से गेंद। और आज आपको बता दें मैदान के बीचों बीच रामचंद्र रामू का उपस्थिति है, और एक बेहतरीन रणनीतिकार खिलाड़ी हैं, आपको बता दें, और उनके दाएं बाएं सुनील सोरेन और संदीप महली और बगल में शशि जैसे खिलाड़ी हैं, तो और अधिक आकर्षक तरीके से रामो को खेलते हुए आप देखेंगे। प्रतिद्वंदी टीम की तरफ का अच्छा क्रॉस, हालांकि फिलहाल रामो के पास मैदान के बीच सुनील सोरे थोड़ा सा हताश होता हुआ, उनको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिली, वहीं पे सरायकेला टाइगर की टीम में सुनील सरदार, मुकेश को, संदीप को, अलीम सरदार जैसे खिलाड़ी हैं,
अभी भी गए दबाव बनाने की कोशिश जी बिल्कुल, इस क्रम में सुनील के पास गए, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश हुई, एक अच्छा मौका हो सकता है, क्रॉस किक की आवश्यकता होगी। बहुत ही बढ़िया तालमेल दिखाया है सरायकेला टाइगर की टीम। अगेन यहां पर सुनील को मिलता हुआ गेंद, साथी खिलाड़ी को गेंद के जरिए खोजने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बंटवारा होगा, देखने वाली बात है। यहाँ पर लुकिंग की हुई, कोई फायदा नहीं, अपना यहाँ डोबो के खिलाड़ी को गेंद मिलता हुआ। बिल्कुल संजय बिल्कुल नामक खिलाड़ी के पास ये गेंद, एक खिलाड़ी को चकाने के बाद साथी खिलाड़ी को देने की गेंद की कोशिश हुई। इस बीच कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, और इस तरह से अगला मैच के लिए फिर से गेंद और गेंद हाथ में लगी थी। गेंद रिलीज हो चुकी है रामू के पास में, और आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ रामू बहुत ज्यादा दौड़ते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रणनीति के तहत आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। रामू के लिए थोड़ी सी गेंद ज्यादा छिटकी और उसका फायदा प्रतिद्वंदी टीम ने सरायकेला टाइगर को मिलता हुआ। जी बिल्कुल, दशरथ सरदार निश्चित तौर पर सुनील यहां पर फूंक फूंक कर कदम रखनी होगी टीम सरायकेला टाइगर को, तब जाकर आपका टीम के लिए फायदे साबित हो सकती है की दरकार है, तब जाकर आप भी लेवल पर आ सकते हैं। बिल्कुल, और हम लोगों ने देखा संतोष जी इससे पिछला मैच जहां सरे टाइगर एफसी किंग फिशर के बीच भी मैच हुई, किंग फिशर फोर्का की टीम ने 1-0 की लीड बनाई थी शुरुआत में, हालांकि अंतिम समय तक में सरायकेला टाइगर एफसी की टीम सोरेन टाइगर एफसी की टीम उसको बराबरी पर लाई और अंततः ट्राई मेकर में जीत दर्ज की थी। जी बिल्कुल, के बदौलत अपने आप को लेवल पर लाए थे और टाइगर के बदौलत ये टीम जीती है। बहुत ही करिश्माई खेल हमें देखने को मिला था, लेकिन उसी अंदाज में यह खेल भी होता हुआ। इस टीम में भी बहुत अच्छे खिलाड़ियों का समावेश है, चाहे वो हम बात करें टीम यहाँ पर सरायकेला टाइगर की या बात करें हम जेमा बसंती डोबो का, दोनों टीम के खिलाड़ी कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं यहाँ। बिल्कुल संतोष जी, बहुत सारे दर्शक अभी अभी आए हैं, तो पता नहीं चल रहा है शायद कौन सी टीम में सरायकेला टाइगर है और कौन सी टीम है जय मां बासंती डोबो। तो मैं आपको बता दूं, लाल सुसज्जित टीम टाइगर की टीम है लाल यूनिफॉर्म में, और उसके प्रतिद्वंदी टीम डोबो की जो कि 1-0 की बढ़त बनाकर खेल रही है, यानी कि सरायकेला का बुकिंग मिलता हुआ चेतावनी देते हुए। जी बिल्कुल, एक सटीक डिसीजन एलन महतो के द्वारा, आप भी बचे और दूसरों को भी बचाएं, इस तरह की खेल खेले क्योंकि आने वाले दिन में आप एक साथ खेल सकते हैं। फुटबॉल एक ऐसा माध्यम है हमें जो एक दूसरे से जोड़ती है। जी बिल्कुल, जिसमें कोई पक्षपात नहीं है। जी बिल्कुल, जल ही जीवन है और हम लोग चांदिल जलाशय के ठीक सामने हैं, उससे भी सामने वहां से जो नहर निकली है ठीक उसके बगल में है। ओह लाजवाब एफर्ट गोलकीपर का, हालांकि यहां पे सचिन बकाई में काबिल तारीफ खेल, लाजवाब प्रदर्शन, एक अच्छा खेल शैली को उजागर की है। संतोष जी, वे विगत कई सालों से शशि संदीप सुनील की जो ये कुंभ राशि के खिलाड़ी हैं काफी लाजवाब उठ रहे हैं और उम्दा खिलाड़ी के तौर पर जाने जा रहे हैं, और आज ये उसी का झलक देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रतिद्वंदी टीम की तरफ से खेल रहे सभी खिलाड़ी भी उसी अंदाज में खेल रहे हैं, परंतु अब तक उस अपनी टीम के खिलाफ बनी बढ़त को बराबरी में तब्दील नहीं कर पाए हैं और उम्मीद बरकरार रखे हैं 19 नंबर में। निश्चित तौर पर शिवा हेमरम सरायकेला टाइगर की तरफ से, लकी श्यामा इससे पहले के कुछ निर्णायक मामले बता रहे हैं, आधा समय व्यतीत हो चुकी। निश्चित तौर पर सेकंड हाफ का यह मुकाबला मैदान के बीचों बीच
आधा खेल अभी भी बाकी है, काफी कुछ करने की तमन्ना यहाँ जरूर रखेगी टीम सरायकेला टाइगर, तब जाकर अपने आप को लेवल पर ला सकती है। बिल्कुल संतोष जी, आप यहाँ पे प्रतिद्वंदी टीम यानी कि सरायकेला टाइगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा ये अंतिम हाफ का अंतिम समय तक, क्योंकि की टीम 0-1 से पिछड़ रही है और सबसे पहले मैच में बने रहने के लिए उन्हें बराबरी करने की आवश्यकता होगी। और पिछले हाफ उन्होंने जिस तरह से खेला, हम तो चाहेंगे उससे और आप थोड़ा सा अलग रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि आपको मैच में बने रहने के लिए सबसे पहले बराबरी करने होंगे, लेकिन इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका प्रतिद्वंदी टीम जयमा बासंती डॉबो काफी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन सुनील सोरेन ने उम्मीद के अनुरूप आज नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लगता है घूर्णी यानी कि घूमती हुई हवा छोटी चक्रवात से उन्हें थोड़ी बहुत परेशानियां पहुंचाती हुई, शायद आंख में धूल आ चुकी है और प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के आंख में भी यानी कि 5 नंबर यूनिफॉर्म के खिलाड़ी हैं। अब देखिए एक तरफ सुनील सोरेन तो दूसरे खिलाड़ी हैं। पांच नंबर में है विजय सरकार, आंखों में थोड़ी सी परेशानी आती हुई, और इस बीच एकल प्रयास काफी लंबी दूरी तय किए हैं शॉट, लेकिन शायद जरूरत नहीं थी। सुनील सोरेन बता रहे भाई जब सर पर गौर करें, निगाह डालें तो इस 16 टीमों के श्रृंखला में सभी एक से बढ़कर एक टीम है, नतीजा हर टीम यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिलहाल ये आज के इस प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला सरायकेला टाइगर बनाम जयमा बसंती डॉबो के बीच होता हुआ रुझान आ चुकी है, रिजल्ट निकल गया है, 1-0 की बढ़त बना ली है टीम डॉबो, परंतु देखने वाली बात होगी बच्ची कुछ ही समय में यहाँ सरायकेला टाइगर क्या थी जोरदार प्रहार के जरिए उनके टारगेट पर रखने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, बाकी का काम गोलकीपर ने पूरा किया। जवाब खेल होता हुआ बिल्कुल विश्वनाथ मार्दी का एक उम्दा गोल के भी हालांकि फिर जगह सरायकेला टाइगर की तरफ से 19 नंबर यूनिफॉर्म में शिवा हेम्ब्रम टीम के कप्तान सुनील सरदार, मुझे लगता है फड़फड़ा के गेम रिलीज किए, क्रॉस मोमेंट में गेम को ले आते, लेफ्ट आउटर के तौर पर खिलाड़ी मौजूद था और यहाँ पे सरायकेला टाइगर को बहुत ज्यादा उत्साहित होकर खेलने की मुझे लगता है शायद आवश्यकता नहीं है, आपको संतुलित भरा खेल खेलने की जरूरत होगी, क्योंकि आप के लिए अगर समय गुजर जाती है तो आपके लिए क्षति ही क्षति है, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी टीम 1-0 की बढ़त बनाकर खेल रही है और अगर इसी लेवल में मैच समाप्त हो जाती है तो प्रतिद्वंदी टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी। बिल्कुल नंबर आउट, और शायद हमारे बीच और एक अभिभावक आदरणीय शिक्षक सम्मान्य दखिल हेम्ब्रम सर के आगमन हो चुकी है, UHS तितिर विला विद्यालय के शिक्षक महोदय, मुझे लगता है कि यहाँ से एक थोड़ी सी समय लगा परंतु अभी भी गेंद सरायकेला टाइगर के पास ही, संजय महली के लिए टीम के कप्तान में सुनील सरदार वहां मौजूद है, परंतु शशि है वहां, इतना आसान नहीं होगा। सुनील सरे आंखों में पानी का छींटा लेने के बाद हालांकि गेंद ज्यादा दूर गई नहीं, यहां पे दशरथ सरदार मौजूद है बैक पिच पर सरायकेला टाइगर की तरफ, और यहां से एक सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट है नेता का है, चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग है 6 नंबर जमीन रूप का इस्तेमाल हुई थी, अगेन यहां पर किक हुई है
ऑन द टारगेट पर, लेकिन बढ़िया फिंगर टिप गोलकीपर के द्वारा, कोई फायदा नहीं। इस तरह से अभी भी 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं, बरकरार है टीम डोबो। तो संतोष जी, मुझे लगता है जिस तरह से गोलकीपिंग यहाँ पे विश्वनाथ माटी की तरफ से हो रही है, शायद बहुत ज्यादा दूर से सरायकेला टाइगर को सफलता मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उन्हें छकाना होगा, उन्हें धोखा देना होगा। जी बिल्कुल, अगला मैच के लिए पूरी तरह रेडी रहेंगे, तैयारी में रहेंगे प्रथम चक्र का अंतिम मुकाबला के लिए। क्रमवार की दृष्टि से चौथा मैच के लिए एसी ब्लैक टेल को बनाम मोदी स्पोर्टिंग, आप लोग रेडी में रहिएगा, तैयारी में रहेंगे, बिल्कुल आर्गुमेंट ना करें, आर्गुमेंट ना करें, खेल पर ध्यान दें। आप लोग बेहतर खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, जब आप लोग बढ़िया करते हैं मैदान के बीचों बीच तो हमें भी फक्र महसूस होता है कि सुदूरवर्ती एरिया के खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी बहुत ही बेहतर। बिल्कुल, मुझे लगता है संदीप महली की आंखों में भी कुछ चीजें आया है, अब लगातार इस चीज को देखा जा रहा है। शशि इन सभी चीजों से बेखबर आक्रमण की जिम्मेदारी उठाए हुए, हालांकि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पास गेंद, सात नंबर निभों में संदीप गोप है, आपने सामने जरूर सुनील थे, चुप ही उनसे, और एक बार फिर से मौका की तलाश में, मौका बनाने होंगे यहाँ पर। बिल्कुल, इस बार अच्छा तालमेल दिखाए हैं सरायकेला टाइगर, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश हुई, और एक बुकिंग मिलता हुआ संदीप को, बेहतर करने की कोशिश किया है। इस बीच चिकिक, लेकिन आज कमाल का प्रदर्शन किया है गोलकीपर ने, और अभी भी गेंद मैदान पर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कॉर्नर हुई, गोलकीपर। जी बिल्कुल, गेंद एयर में थी, मुझे लगता है गेंद बाहर आ चुकी थी, फिर से गेंद किक हुई थी क्योंकि असिस्टेंट रेफरी ने बताया। अगला मैच के लिए पूरी तरह रेडी होकर आइएगा, एसी ब्लैक टेल को बनाम मोदी स्पोर्टिंग नेक्स्ट गेम के लिए। आज समय का अभाव है, किसी भी टीम को अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, और के बाद फिर से गेंद सुनील सोरेन के लिए, रामन के पास ले, छोर बदला, तीन नंबर यूनिफॉर्म में कृष्णा हेमरम, जय मां बसंती डबो की तरफ से गेंद फिर से दशरथ सरदार के पास, उन्होंने छोड़ा गोलकीपर के लिए, गोलकीपर बहादुर सोरेन। इस बीच अच्छा मौका फिर से सुनील, और यहां पर आखिरकार बाजी मार लिया है संदीप ने, और मुझे लगता है ये द्वितीय बार होगा, यानी कि पहला गोल भी शायद संदीप के लिए आता है, ये स्पेशल संदीप के लिए, संदीप बाबू क्या पहला गोल भी अभी के ना, वेल डन जी, बिल्कुल शायद उतना अनुमति नहीं देंगे। हमारे मंच और सम्मान्य मालिक हजदार जी का आगमन हुआ है, इस मंच परिवार की ओर से उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मंच परिवार में जी बिल्कुल, सुनील जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, बीच दीवार किशोर मेमोरियल क्लब जिलिंगोड़ा में जो बड़ा टूर्नामेंट होती है, वहाँ के ये अध्यक्ष है मालिक हंसदार, ये हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है एवं आने वाला साल की बधाई शुभकामनाएं आपको। आरे। 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 आरे।
एक भव्य आयोजन के लिए जाना जाता है बीडी के एमएस जिलिंग गोड़ा को। वहां के अध्यक्ष महोदय हैं मानिक हांसदा जी, उनके आगमन से हम कमेटी काफी गदगद है, काफी खुश है। और इस तरह से आज धन्यवाद के पात्र हैं सर जी, जो अपना बेस्ट कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच आए हैं। और इसी बीच मुझे लगता है और एक सेट पीस मिलेगा सरायकेला टाइगर को। और इस बार देखें, हालांकि कई बार में सेट पीस मिला सरायकेला टाइगर विश्वनाथ मार्डी की तरफ से, कि बहुत ज्यादा मौका ही नहीं मिल रहा सरायकेला टाइगर को। जी बिल्कुल, इस तरह से काफी हौसला बुलंद नजर आता हुआ दोबो 2-0 की बढ़त बना ली है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है आज के इस मैच में। अगर यहाँ आप अपने आप को लेवल पर नहीं ला सकते हैं तो गोल अंतर को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो खासियत है, वो काबिलियत है आप में। सरायकेला टाइगर आपके टीम में भी कई अच्छे खिलाड़ियों का समावेश है, कभी 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 भी आप रूट को पलट सकते हैं। इस तरह के खिलाड़ी आपके टीम में शामिल है। आज काफी आकर्षक तरीके से लाइक सच्ची हंसा की तरह। इस बीच संदीप, हालांकि थोड़ा सा दूर में जरूर है, परंतु संदीप के पास गेंद हैट्रिक के लिए थोड़ा बहुत विकल्प बनता हुआ, परंतु संतोष जी एक चीज के मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा, है ना। बहुत बार देखा गया कोई भी सेट पीस लिया जा रहा है या जहाँ गेंद रुक रही है, लेकिन खिलाड़ी उसके बगल में ही जाकर अपना शॉट को उठा रहा है, कहीं और शॉट उसके नीचे नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएंगे। जी बिल्कुल, ये हम लोग जब आज खेल समाप्त होगी उसके बाद इस बात को लेकर जिक्र करेंगे। खिलाड़ियों से ही हम लोग पूछना चाहेंगे, लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, हम लोग उन्हीं लोगों को पूछेंगे कि क्या वजह हो सकती है। इस बीच अगला मैच के लिए पूरी तरह रेडी होकर आ चुके हैं एसी ब्लैक टेंपो के सारे खिलाड़ी। मोदी स्पॉटिंग आपसे भी उम्मीद है, कृपया संभवतः आप लोग भी पहुंच गए हैं। सबों का स्वागत है, अभिनंदन है अगला मुकाबला को खेलने के लिए। इस तरह से आउटलाइन के बाहर दर्शकों का खचाखच हुजूम उमड़ पड़ा है, सभी दूर दराज से आने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो हमारा आंगनबाड़ी है ठीक इस मंच के फ्रंट पर, वहां पर कई दर्शक आंगनबाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, कृपया आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैच को देखते हुए आप लोग मैच पर ही पूरी तरह निगाहें नहीं रखेंगे, अन्यथा आपको चोट पहुंच सकती है। बिल्कुल अच्छा सुझाव है सतो जी, फिर से रामो के लिए संदीप के पास शायद ही, हालांकि गेंद गोल पोस्ट में लगकर आए अन्यथा अब संदीप निसंदेह गोल पोस्ट में जाएंगे। और थोड़ी बहुत जो किया जाता है शायद पैर से गार्ड को लगाएंगे या हाथ से। संदीप जो आज की बात कर रहे हैं बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, कमाल का प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, आज भर यहाँ पर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। अभी तक उन्हीं के पैर से 2 गोल आई है सरायकेला टाइगर के लिए, लेकिन गोलकीपर ने गोता लगाते हुए गेंद अपने कब्जे में किया। और आज निसंदेह संतोष जी विश्वनाथ मार्डे का आज लाजवाब गोलकीपिंग रहा यहाँ पर। और आपको बता दें सभी मैचों में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड जो निर्णायक बता रहे हैं ये मैच समाप्त होती है। सबसे पहले